जैसे ही जापान का हारना तय हो गया 17 अगस्त 1945 को सुकर्णों ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इस बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगह जगह घोर युद्ध भी हुए ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय थे जो भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे अतः ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंपकर हटना चाहता था हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना के बल पर उसने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया जब यह संभव नहीं लगा तो उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हों और उनमें से एक सुकर्णों शासित देश हो अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर सुकर्णों ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली लेकिन उसके विरुद्ध साम्यवादियों के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ जिसे बहुत खून खराबे के बाद कुचला गया इस बीच डच सेना ने देश पर कब्जा करके सुकर्णों को बंदी बना लिया पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी 27 दिसंबर उन्नीस को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड का औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र में उसके पक्ष में आवाज़ उठाई अपनी स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बना 1955 में इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के उनतीस नौ स्वतंत्र देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया और देशों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए गए इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था पहला आम चुनाव 1955 में हुआ जिसमें कई क्षेत्रीय दलों को समर्थन मिला लेकिन ये दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए इस दौर में इंडोनेशिया की साम्यवादी दल का तेजी से फैलाव हुआ और उसने सुकर्णो सरकार को अपना समर्थन दिया साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथ में ले ले। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुआ जिनके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई अमेरिका का मानना था कि यह साम्यवादी झुकाव अंततः सोवियत संघ के पक्ष में जाएगा उसने कई प्रांतों में इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया जिसके कारण कई विद्रोह हुए ऐसे में राष्ट्रपति सुकर्णों ने संसदीय व्यवस्था समाप्त करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की धीरे धीरे कई विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया इस बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देर सबेर वह सत्ता हथिया लेगी इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्यवादियों को कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य किया कहा जाता है कि इस दौर में पांच लाख से अधिक लोग मारे गए तेजी से बदलते घटनाक्रम में सुकर्णों को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहात्रो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था सुहात्रो का शासन उन्नीस तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो पाया तीसरा वियतनाम वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष बीसवीं सदी की महान गाथाओं में से एक है वियतनाम के लोगों ने जो मुख्यतः गरीब किसान थे विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी वियतनाम और उसके पड़ोसी देश लाओस और कम्बोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्य कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाए उन्नीस की महामंदी के कारण अनाज की कीमत कम हो गई और किसान अपनी जमीन साहूकारों व जमींदारों को बेचने लगे और अपनी ही जमीन पर बटाईदार बनते गए उपनिवेशी शासक वहां एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने नहीं देना चाहता था और वहां किसी प्रकार का विश्वविद्यालय खुलने नहीं दिया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था फिर भी अपने प्रयास से कई लोग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में पढ़कर स्वदेश लौट रहे थे द्वितीय युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा किया लेकिन इस बीच वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ की मदद से वियतमिन आंदोलन को प्रारंभ किया था और 1945 में जापान को हारते देखकर उन्होंने अपनी सेना बनाकर उत्तर वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया